और चलिए बात कर लेते हैं सीएम गहलोत की गिफ्ट की। जी हां, जाटव समाज का एक सपना पूरा हुआ है। प्रदेश सरकार ने जाटव समाज को रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराई और अब उस जमीन में जाटव महासभा की ओर से जयपुर में हॉस्टल और सामुदायिक भवन का निर्माण होगा, जिसका शिलान्यास सीएम अशोक गहलोत ने किया है। जाटव समाज को सौगात, विकास कार्यों का शिलान्यास, गहलोत का गिफ्ट। जब शिलान्यास हुआ है, अभी शानदार छात्रागार बनेगा, सामुदायिक भवन बनेगा और पूरे सबके काम आएगा, सबके समाज के काम भी आएगा। जी हाँ, जाटव समाज को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बड़ी सौगात मिली है। गहलोत सरकार की ओर से रियायती दर पर जमीन आवंटित किए जाने के बाद अब जल्द ही जयपुर में समाज का हॉस्टल और सामुदायिक केंद्र तैयार होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल रूप से अखिल राजस्थान जाटव महासभा के हॉस्टल और सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किया। सरकार की सोच हमेशा से रही है किस प्रकार से हम लोग विभिन्न समाजों को जमीन का, जब कोई मांग हो समाज के लिए, छात्रावास के लिए, सामुदायिक भवन के लिए, तो जमीन सरकार की तरफ से नॉमिनल प्राइस में मिलनी चाहिए। उस वक्त भी 1 करोड़ से अधिक की जमीन थी, है तो 5 लाख में मेरे ख्याल से उस वक्त में दी गई थी। सरकार बदल गई तो मेरे ख्याल से कई समाज के लोग थे, सब मेरे पास आते थे कि साहब जो जमीन आपने दी थी वो सबको रद्द कर दिया गया। तो मुझे खुशी है कि अल्टीमेटली आज ये जमीन वापस आपको, सरकार वापस बनी। आपको संघर्ष करना पड़ा पर आखिर में जमीन आपको मिली और आप सबने हिम्मत करके भामाशाहों की मदद से आपने ये संकल्प किया कि हमें यहाँ पर सामुदायिक भवन बनाना है, छात्रावास बनाना है। हालांकि इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने समारोह में बिना मास्क के बैठे लोगों को हिदायत भी दी, कोरोना के खतरे से आगाह कराया और लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना की अपील की। आपसे अपील करूंगा, आप सभी लोग आपके परिवारजनों का ख्याल रखें, किसको कहां कब कोरोना का इफेक्ट पड़ता है पता नहीं लगता। आज भी कई लोग, बहुत कम संख्या में है पर आज भी कई लोग भर्ती है अस्पतालों के अंदर। हम लोग उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई तकलीफ नहीं आए। समारोह में सीएम ने सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने की जरूरत बताई, साथ ही दोहराया कि सरकार विकास के लिए लगातार काम कर रही है और करती रहेगी। न्यूज 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। समाज के शिलान्यास कार्यक्रम के बाद सीएम गहलोत ने ट्वीट किया और सीएम ने लिखा है अपने ट्वीट में कि समाज के कमजोर, पिछड़े और वंचित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पूरे समर्पित भाव से काम कर रही है। हमने ऐसी कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की है जिनका भरतपुर लाभ इन वर्गों के लोगों को मिल रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय के लिए जल्द ही जमीन आवंटित की जाएगी।